हेलो एवरीवन। तो आज सेमेस्टर 5 के मैं कुछ कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, चाहे आप प्रोग्राम के हो चाहे आप ऑनर्स को हो, फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1, आपके पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, इनकम टैक्स प्रॉब्लम होगी इसमें। नंबर 2, इनकम टैक्स के बाद हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है सर, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंट, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और तीसरा आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स आ गया, चाहे आप प्रोग्राम के हो चाहे ऑनर्स के हो। तो अभी SOL का रिसेंटली संडे एग्जाम खत्म हुआ है, तो जो स्टूडेंट अभी नहीं, अब देखिए आपने पीछे पेपर एग्जाम दिए, चाहे बिजनेस स्टेट्स दिया बिजनेस मैथ्स दिया, तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 5 में आपके पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो करो नहीं तो 1 साल खराब। एक पेपर में भी अगर आप सेमेस्टर 5 में फेल होते हैं तो पूरा का पूरा साल खराब होगा, पूरे पेपर मान के चलिए आपका एक बार दोबारा ही हो गया एक तरीके से। तो इसमें बिल्कुल भी मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूंगा लापरवाही मत करिएगा। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट चाहे कैसे भी पढ़ रहे थे, मुझसे पढ़ रहे थे या फिर मेरी वीडियो से हेल्प ले रहे थे या यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि सेमेस्टर 5 के अंदर मैं अगेन बोलूंगा सेमेस्टर 2 से भी भारी पड़ने वाला है इनकम टैक्स आपके ऊपर। तो मैं बस वही बताना था कि भैया आप लोग SOL वाले बच्चे कहीं सोचो कि भैया पेपर खत्म हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 1 मंथ जा चुका है, तो आप अभी से तैयारी कर दो। और रेगुलर वाले बच्चे भी ये ना सोचे कॉलेज खुलने के बाद करेंगे, अभी से कर लोगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। सर सेमेस्टर 5 के हमने भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है और लाइव क्लासेस हैं सारी की सारी, और आज आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और ये 449 वैसे 500 का है, लेकिन वहां पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा 449 का, आपको एक सब्जेक्ट पड़ेगा पूरे सेमेस्टर की फीस, जो कि है आपका सेमेस्टर 5। जिस बच्चे को लगता है कि भैया हमें लाइव डाउट ये सब चीजें चाहिए तो ज्वाइन हो सकता है, जिस बच्चे को लगता है कि नहीं यार हम आसपास अपने ब्रदर से या अपने सीनियर से या यूट्यूब से पढ़ के हो सकते हैं, तो वो भी पढ़ना बस चालू कर दीजिए, मेरा कहना ये है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।